कर देंगे, क्योंकि उस पर एक एक्स्ट्रा साइड चेन है, यानी कि एक कार लेके आ रही है समझ लीजिए। तो बस अब नंबरिंग कर लेंगे, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से पहली साइड चेन पास पड़े, 1 2 पे आ रही है, इधर से 1 2 3 पे पहली साइड चेन आ रही है, तो वहां से नंबरिंग वहीं से हो जाएगी जहां से पहली साइड चेन पास पड़ गई। यहां देखिए, तो ये मेन चेन तो यही है सीधी, और कोई है नहीं, स्टेट मेन चेन हो गई। तो नंबरिंग कहां से करें, जहां से पहली साइड चेन पास पड़े, 1 2 3 पे आ रही पहली साइड चेन, इधर से 1 2 3 3 पे पहली साइड चेन, इधर से भी 3 पे, उधर से भी 3 पे। तो फिर देखो किसके 3 पे ज्यादा साइड चेन है, इसके 3 पे भी एक साइड चेन है, उसके 3 पे भी एक साइड चेन है। तो फिर देखो नेक्स्ट साइड चेन इधर से 4 पे आ जाएगी, जबकि उधर से 3 के बाद 4 5 पे आएगी, तो इसलिए यहां से, तो क्योंकि क्यों, क्योंकि नेक्स्ट साइड चेन इधर से पास पड़ गई है। ठीक, नेक्स्ट देखें, अगर हम देखें तो साइड मेन चेन सेलेक्ट कर लें, तो ये सीनियर फंक्शन ग्रुप है, ये भी फंक्शन ग्रुप है, मगर एल्डिहाइड सबसे ज्यादा कौन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये खुद का कार्बन है, तो खुद का कार्बन मेन चेन में जाएगा। ठीक, ये हुआ, यहां से आगे जाएं तो कितने कार्बन पड़ रहे हैं, 2, और यहां से नीचे जाएं तो कितने कार्बन पड़ रहा है, 1। अब तुम कहोगे ये फंक्शन ग्रुप है, सीनियर फंक्शन ग्रुप, जब ये सीनियर फंक्शन ग्रुप हो गया तो अब सब क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे। ध्यान रखें इसमें 3 फंक्शन ग्रुप है, मगर कोई सा एक जो सब सीनियरिटी टेबल में सबसे ऊपर होगा वही, उसका नाम तो क्या होगा, सफिक्स, और बाकी सब क्या हो जाएंगे फिर, सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर, तो अब ये साइड चेन की तरह काम करेंगे, अब जरूरी नहीं है कि इनका कार्बन जाए, ठीक, अब तो उधर जाएंगे जिधर ज्यादा सीनियरिटी मिले, और सीनियरिटी ज्यादा किसकी है, नंबर ऑफ कार्बन की, इधर एक कार्बन पड़ेगा जबकि उधर कितने कार्बन पड़ जाएंगे, 2। आगे बात समझ में, चलिए बाकी जब आईयूपीएसी नेम करेंगे तब और समझ में आ जाएगी क्या है। सबसे पहले सीनियर फंक्शन ग्रुप छांट लीजिए, क्योंकि मेन चेन छांटनी पड़ेगी, जब मेन चेन पता चल जाए तभी तो नंबरिंग करोगे ना। ठीक है, तो ये हुआ सीनियर फंक्शन ग्रुप, एल्डिहाइड, एल्कोहल से भी सीनियर होगा कौन, एल्डिहाइड, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर साइनाइड आइसोसाइनाइड, फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद आता है एल्कोहल अमाइन, तो ये हो गया, और इसका खुद का कार्बन है तो मेन चेन में बस ये जाएगा। अब यहां से इधर जाए या इधर जाए, तो जिधर सीनियरिटी मिले, इधर तो क्या है, अब ये साइड चेन, अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, साइड चेन है, और उधर क्या है, डबल बॉन्ड, तो पहले किधर भाग जाएंगे, जिधर डबल बॉन्ड, पहले फंक्शन ग्रुप की सीनियरिटी, उसके बाद डबल बॉन्ड की, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, और उसके बाद देखी जाती है साइड चेन। चलिए, इसमें सीनियरिटी किसकी हो गई, ये हो गया सीनियर फंक्शन ग्रुप, तो नंबरिंग कहां से काउंट करेंगे, जहां से क्या है, यानी कि मेन चेन तो हो गई है, अब नंबरिंग कहां से करें। चलिए, इसमें इनमें मैंने, एक मिनट देखिए जरा, इनमें नंबरिंग नहीं करी, तो नंबरिंग कर लेंगे, तो बस यहीं से जो सीनियर फंक्शन ग्रुप का कार्बन है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। इसमें जो सीनियर फंक्शन ग्रुप का कार्बन है वहीं से नंबरिंग शुरू हो जाएगी, 1 2। इधर डबल बॉन्ड फर्स्ट पे है जबकि उधर फंक्शन ग्रुप फर्स्ट पे है, तो डबल बॉन्ड से ज्यादा सीनियरिटी किसको दी जाएगी, फंक्शन ग्रुप को, तो 1 2 3 4। यहां देखिए, तो इसमें नंबरिंग किधर से करें, डबल बॉन्ड से भी ज्यादा सीनियर कौन है, फंक्शन ग्रुप, तो ये जहां से भी पास पड़ेगा बस वहीं से, ये 1 2 पे पड़ेगा, इधर से 1 2 3 4 पाएगा, तो बस जहां से फंक्शन ग्रुप पास पड़ रहा है, डबल बॉन्ड को तो अभी छोड़ दीजिएगा बस। अब देखिए, ये कह रहा है किसी भी आईयूपीएसी नेम में, जब हम ऑर्गेनिक का आईयूपीएसी नेम देखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स यानी कि साइड चेन का नाम, फिर लिखेंगे मेन चेन में कितने कार्बन है, उसके बाद लिखेंगे सिंगल या डबल बॉन्ड का नाम, उसके बाद लिखेंगे फंक्शन ग्रुप का नाम। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हो गया साइड चेन, फिर ये हो गई मेन चेन में कितने कार्बन है, फिर लिखेंगे सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड यानी कि एन या ईन, और फिर लिखेंगे फंक्शन ग्रुप का नाम यानी कि एल्कोहल है, एल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है या एल्डिहाइड है। तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, साइड चेन का, उसके बाद आएगा मेन चेन में कितने कार्बन है, उसके बाद आएगा मेन चेन के कार्बनों के बीच में जो सिंगल या डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कौन से, जो मेन चेन के कार्बन में काउंट हो रहा है। ठीक है, फंक्शन ग्रुप के अंदर जो डबल ट्रिपल आ जाते हैं उनकी बात नहीं हो रही है, मेन चेन जो सेलेक्ट की है उसके कार्बन के बीच में ऐसा बॉन्ड है, अगर सिंगल है तो एन और डबल है तो ईन, ट्रिपल है तो आयन, और उसके बाद आएगा फंक्शन ग्रुप। इसी सीक्वेंस में नाम लिखा जाना है, पहले किसका नाम आएगा फर्स्ट नंबर पे, साइड चेन का, सेकंड फर्स्ट पे साइड चेन का, फिर मेन चेन में कितने कार्बन है उनका, फिर थर्ड नंबर पे आएगा एन या ईन का, और फोर्थ नंबर पे नाम आएगा फंक्शन ग्रुप का। और ये लोकेंट्स क्या है, ये साइड चेन किस पोजीशन पर लगी है, इसकी लोकेंट्स देनी पड़ेगी, पोजीशन बतानी पड़ेगी किसकी, साइड चेन की। लोकेंट्स मतलब नंबर, यानी कि क्या कह सकते हैं, पोजीशन ऑफ साइड चेन। प्रीफिक्स मतलब साइड चेन और सफिक्स मतलब फंक्शन ग्रुप। ठीक है, देखिए अब हम आईयूपीएसी नेम देख रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी सबसे पहले कौन देख रहे हैं, एल्केन।
एल्किन मतलब जिसमें सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा और कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं साइड चेन, ठीक है, क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो, ठीक है। तो एल्किन का नाम देख रहे हैं, एल्किन मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और कोई भी फंक्शन ग्रुप ना हो। चलिए तो सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो मेन चेन के लिए मैंने आपको बताया ऐसे काउंटिंग मत करिएगा जैसे करते हैं कि इस मेन चेन ये वाली मेन चेन ले तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए, अगर मैं ये वाली मेन चेन लेता हूं तो क्या हो गए 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। अगर मैं ये मेन चेन लेता हूं तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे काउंटिंग नहीं करेंगे, काउंटिंग में बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको तरीका बताया था कि सेंट्रल कार्बन एटम पकड़ेंगे, ठीक, सेंट्रल कार्बन एटम के अब लेफ्ट या राइट या इधर, देखिए इधर कितने कार्बन दिख रहे हैं, बगैर गिने दिख जाएंगे 3, इधर कितने हैं 2, इधर कितना है 1, तो जिसमें ज्यादा कार्बन है उसी की बारात निकाल दीजिएगा, ठीक। वैसे तो हमने पता चल गया कि 4 की है, ये 5 की है, 6 की, तो 6 वाली को मैं चेन लूंगा, मगर इस ढंग से नहीं करना है। तो ढंग क्या है बता रहे हैं कि सेंट्रल कार्बन एटम पकड़ा, इधर 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, इधर 1, इधर 3, तो पहले क्या करेंगे बारात किसके लेके चलेंगे 3 कार्बन वाले की, यहां तक बारात आई, अब किस कौन सी दुल्हन को लें 2 कार्बन वाली को या 1 कार्बन वाली को, तो जिसमें कार्बन ज्यादा है जिसकी सुंदरता ज्यादा है उसको ले लीजिएगा, ठीक है, बाकी ये साइड चेन रहेगी, क्लियर। नेक्स्ट नंबरिंग, अब बात मेन चेन सेलेक्ट हो गई, तो अब उसके बाद क्या हो काम है नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शन ग्रुप पास पड़े। देखिए मेन चेन में ज्यादा से ज्यादा फंक्शन ग्रुप चाहिए, फंक्शन ग्रुप यहाँ कोई है नहीं, फिर ज्यादा से ज्यादा डबल ट्रिपल बॉन्ड चाहिए वो भी नहीं है क्योंकि एल्केन हम का नाम देख रहे हैं, उसके बाद फिर क्या चाहिए ज्यादा से ज्यादा कार्बन वो हमने ले लिए। अब बात करते हैं नंबरिंग की, नंबरिंग उधर से होगी जिधर से साइड चेन पास पड़ेगी, ये साइड चेन हो गई तो 1 2 3 पा रही है, इधर से 1 2 3 4 पा रही, तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी जहां से साइड चेन पास पड़ेगी। नाम पहले किसका लिखा जाएगा साइड चेन का, साइड चेन कौन है, साइड चेन में एक कार्बन है, एक कार्बन को बोलेंगे मेथ और साइड चेन है तो क्या लग जाएगा YL, ये क्या हो गया मिथाइल, मगर साइड चेन की पोजीशन बतानी पड़ेगी कौन से कार्बन पे है थर्ड कार्बन पे, तो 3 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन हो गए 6, तो ये क्या हो गया हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया A। तो देखिए पहले साइड चेन का नाम लिखा, फिर मेन चेन में कितने कार्बन है, उसके बाद देखा मेन चेन के कार्बन के बाद बीच में सिंगल या डबल बॉन्ड, बस पूरे नाम को जोड़ दिया, ठीक। जैसे इसको ओपन करें, ये देखिए सी, ये पहला सी है, इस सी पे कितने सी एस टी लगाई दे रहे हैं 3, मैंने आपको बताया था जब भी सी एस टी की पावर हो समझ ले इसी कार्बन पे लग रहे होंगे, तो इस सी पे कितने सी एस टी लग रहे हैं 3, तो आप एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया और एक ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कार्बन जोड़ दिया, कोई बॉन्ड ना दे रखा हो सिंगल बॉन्ड से जोड़ते चले जाइए आप, ठीक है। अब इस कार्बन पे भी कितने सी एस थ्री है 3, तो इस पे भी हमने क्या लगा दिया 3 CH3। अब मेन चेन की बात कर लें, कोई सा भी सेंट्रल कार्बन पकड़े, मान लीजिए ये सेंट्रल कार्बन है, तो देखिए किस किस शादी पहले करें, इसमें भी एक कार्बन, उसमें भी एक कार्बन, इसमें भी एक कार्बन, तो तीनों एक जैसे हैं, किसी की भी करिए पर होगी एक की। अब इससे आगे आगे चलें तो इधर इधर इधर, तो क्या है इधर भी एक कार्बन है, उधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, तो तीनों तरफ एक ही कार्बन है, एक जैसा ही है, तो किसी को भी आप ले लीजिएगा। ये अब क्या हो गई साइड चेन, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो कितनी मिथाइल हुई 4, तो क्या लिखेंगे टेट्रा मिथाइल, 4 मिथाइल हो गई जी। अब इनकी पोजीशन बतानी पड़ेगी, तो पोजीशन के लिए पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग कैसे करें, या तो इधर से करें या इधर से, तो जैसा इधर से दिख रहा है वैसा इधर, क्योंकि पूरा कंपाउंड एकदम सिमेट्रिकल है, तो चाहे इधर से नंबरिंग कर लो चाहे इधर से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 2 3 4, ठीक है। तो ये साइड चेन 2 पे, ये भी 2 पे, ये 3 पे और ये भी 3 पे, तो 2 तो 2 पे हैं तो 2 2 और 2 3 पे हैं तो 3 3, तो 2 2 3 3 कोमा लगाना जरूरी है नहीं तो नंबर बदल जाएगा, ठीक है। तो 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल। अब देखेंगे मेन चेन में कितने कार्बन है, तो मेन चेन में 4 कार्बन है, तो 4 के लिए क्या आ गया ब्यूट। अब देखेंगे मेन चेन के कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा ए। तो समझे, पहले नाम आ गया साइड चेन का, फिर नाम आया मेन चेन में कितने कार्बन है, उसके बाद आया सिंगल या डबल बॉन्ड का नाम, बाद में आएगा फंक्शन ग्रुप का नाम, फंक्शन ग्रुप इसमें कोई है नहीं, तो बस बात खत्म हो गई। यहां देखिए मेन चेन सेलेक्ट कर लें, ये सेंट्रल कार्बन मैंने पकड़ा, इधर कितने कार्बन है 2, नीचे भी कितने हैं 2, क्योंकि ईटी मतलब इथाइल, तो इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, इस पे भी कोई साइड चेन नहीं, इस पे भी कोई साइड चेन नहीं, तो बस कोई से वो ले लो, चाहे तो इसको ले लो मेन चेन में, चाहे इनको ले लो।
यहां तक आए, यहां से ऊपर जाएं तो एक कार्बन, नीचे जाएं तो एक कार्बन, क्योंकि एमई मतलब मिथाइल, मिथाइल मतलब CH3, ठीक है, ईटी मतलब इथाइल, इथाइल मतलब दो कार्बन, यानी कि C2H5। तो देखिए, तो आगे ऊपर भी एक कार्बन, नीचे भी एक कार्बन, आगे दो कार्बन है तो दो पे चले जाएंगे। ये हो गई मेन चेन, ये सब साइड चेन हुई, सर्कल में ले लीजिएगा जिससे कोई छूटे ना नाम लिखते समय। तो देखिए नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से पहली साइड चेन पास पड़े, इधर से 1 2 3 पे आ रही पहली साइड चेन, इधर से 1 2 3 पे आ रही पहली साइड चेन, तब इधर से भी पहली साइड चेन 3 पे आई, उधर से भी पहली साइड चेन 3 पे आई, तो फिर चेक करेंगे किसके 3 पे ज्यादा साइड चेन है, इसके 3 पे कितनी साइड चेन है, दो, उसके 3 पे केवल एक ही साइड चेन है। वो अलग बात है कि वो दो कार्बन की है, दो कार्बन की है, तीन कार्बन की है, चार कार्बन की, हजार कार्बन की, इससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कितनी साइड चेन है। तो इसके 3 पे पहली साइड चेन इधर से भी 3 पे है, उधर से भी 3 पे है, मगर इसके 3 पे कितनी साइड चेन है, दो, और इस पे कितनी, एक, तो इसलिए नंबरिंग यहां से आ जाएगी जिस पे ज्यादा साइड चेन है। नाम अब ये हो गया मिथाइल और ये क्या है इथाइल, अल्फाबेटिकली ई पहला आएगा या एम, तो साइड पहले नाम लिखा जाएगा साइड चेन का मगर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, तो अल्फाबेटिकली इथाइल का नाम पहले आ रहा है। अगर साइड चेन मोर देन वन हो, मोर देन वन टाइप साइड चेन हो, तो फिर क्या देखेंगे उनमें अल्फाबेट देख लेते हैं, तो फर्स्ट नाम ऑफ साइड चेन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, तो ई इथाइल पहले आएगा, तो 5 पे क्या हो गया इथाइल और 3.3 डाइमिथाइल, दो मिथाइल हो गए किस पे 3 पे। और मेन अब लिखेंगे मेन चेन का नाम, मेन चेन में कितने कार्बन हो गए 7, 7 के लिए बोलते हैं हेप्ट और सिंगल बॉन्ड है तो 8, ठीक है। तो पहले साइड चेन का नाम आ गया अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, फिर मेन चेन का, फिर सिंगल या डबल बॉन्ड का। एक और कंफ्यूजन हो सकता है, तुम कहोगे कि तो इसमें अल्फाबेट डी है और इसमें अल्फाबेट ई है, तो डी पहला आएगी कि ई, तो डी पहला आनी चाहिए, मगर नहीं, ये क्या है सिंपल साइड चेन में जो डाई ट्राई होती है वो अल्फाबेट का नाम नहीं होती, वो नाम का पार्ट नहीं होते, वो संख्या का पार्ट होते हैं कि इस, तो नाम साइड चेन का नाम तो क्या है मिथाइल है, डाई तो बता रहा है उसकी संख्या को, वो उसका नाम का पार्ट नहीं है। तो मैंने आपको बताया था सिंपल साइड चेन में जो डाई ट्राई आएंगे वो अल्फाबेट में यूज नहीं होंगे क्योंकि उसका नाम का पार्ट नहीं होगा, मगर कॉम्प्लेक्स साइड चेन में जो डाई ट्राई आएंगे ब्रैकेट के अंदर, बाहर वाली बिस्ट्रिस नहीं, तो ब्रैकेट के अंदर जो डाई ट्राई आएंगे वो अल्फाबेट में यूज होते हैं क्योंकि वो साइड चेन का, वो उसके नाम का पार्ट होते हैं। चलिए, तो अल्फाबेट का देखा जाएगा, तो अल्फाबेट देखा जाएगा इसके एम में और उसके ई में, तो एम और ई में ई पहला आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये सेंट्रल कार्बन पकड़ा फिर मैंने, इधर दो कार्बन है, नीचे भी दो है, तो चाहे इसको ले लो मेन चेन में, चाहे इसको ले लो। चलिए स्टेट लेके आ गए, आगे गए, आगे चलते जाएंगे, यहां नीचे एक कार्बन है, आगे दो कार्बन है, तो आगे बढ़ जाएंगे, ये साइड चेन हो गई। नंबरिंग करें तो नंबरिंग की अगर हम बात करें तो नंबरिंग क्या है, इधर से 1 2 3 पे आ रही पहली साइड चेन, उधर से 1 2 3 पे आ रही पहली साइड चेन, तो पहली साइड चेन जिधर से पास आएगी उधर से नंबरिंग करेंगे, मगर इधर से भी पहली साइड चेन 3 पे है, उधर से भी पहली साइड चेन 3 पे है, तो आप देखें किसके 3 पे ज्यादा साइड चेन है, इसके 3 पे भी एक साइड चेन है, उसके 3 पे भी एक साइड चेन है, ठीक है। तो फिर देखें नेक्स्ट साइड चेन, तो नेक्स्ट साइड चेन इधर से 4 पाएगी जबकि उधर से नेक्स्ट साइड चेन 4 5 पाएगी, तो इधर से नेक्स्ट साइड चेन 4 पा गई, उधर से 5 पा रही, तो बस यहां से चल जाएंगे, ठीक है। नाम लिखिए साइड चेन का, ये मिथाइल है, मिथाइल और ये इथाइल है, अल्फाबेटिकली ई पहला आएगा, तो पहले नाम किसका लिखा जाएगा इथाइल का, तो क्या होगा 6 इथाइल और क्या हो जाएगा 3 4 डाइमिथाइल, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं तो दोनों का नाम लिखेंगे, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो क्या हो गया डाइमिथाइल, मगर उनकी पोजीशन मैंने बता दी है, एक थर्ड नंबर के कार्बन पे है, एक फोर्थ नंबर के, तो 3 4 डाइमिथाइल। अब लिखेंगे मेन चेन में कितने कार्बन है, मेन चेन में 8 कार्बन है, तो 8 के लिए क्या हो गया ऑक्ट। अब देखेंगे मेन चेन के जो कार्बन है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन है कि डबल बॉन्ड से, तो उनकी ज्वाइनिंग सिंगल बॉन्ड से है, तो क्या हो गया 8। तो पहले साइड चेन का नाम आ गया अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, फिर मेन चेन का नाम आ गया, फिर सिंगल या डबल बॉन्ड का नाम आ गया, उसके बाद आता है फंक्शन ग्रुप का नाम, फंक्शन ग्रुप का भी हमने कोई ले नहीं रहे क्योंकि एल्केन के आईयूपीएसी नेम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो इसमें देखिए सेंट्रल कार्बन फिर पकड़ लिया मैंने, इधर भी दो कार्बन उधर भी दो, एक जैसा ही है तो किसी को भी ले लीजिए, आगे गए नीचे एक कार्बन है वो आगे कितने दो, तो आगे चले जाएंगे। अब नंबरिंग देखें तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 पे आ रही पहली साइड चेन, उधर से 1 2 3 पे आ रही पहली साइड चेन, तो इधर से भी 3 पे उधर से भी 3 पे, पहली साइड चेन इधर से भी 3 पे उधर से भी 3 पे, तो अब देखें किस पे किसके 3 पे ज्यादा साइड चेन है, इसके 3 पे भी एक साइड चेन, उसके 3 पे भी एक साइड चेन,
तो फिर देखो अगली साइड चेन, अगली साइड चेन कोई है नहीं, तो अब कुछ भी कंपेयर करने के लिए नहीं बचा। और जब कुछ भी कंपेयर करने के लिए नहीं बचे तो फिर क्या देखते हैं, अल्फाबेट, और ये मिथाइल है और ये क्या है, इथाइल है। तो अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा एम से, तो पहले फर्स्ट नाम किसका हो जाएगा, नाम भी इसका ही पहले होगा और नंबरिंग भी इसी की पहले हो जाएगी। क्लियर होगी बात। तो नाम क्या हो गया, तो पहले साइड चेन का नाम, साइड चेन में भी कौन सी साइड चेन का नाम, जो अल्फाबेट पहले आती है, तो थ्री इथाइल और फाइव मिथाइल, और मेन चेन का नाम लिखेंगे अब, सेवन कार्बन हो गए तो हेप्ट और सिंगल बॉन्ड हो गया तो एन। तो पहले साइड चेन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, फिर मेन चेन और फिर सिंगल या डबल बॉन्ड का नाम। देखिए फिर नेक्स्ट देखें ये क्या है, अगर हम इसमें बात करें तो ये सेंट्रल कार्बन मैंने ले लिया, चाहे इधर ले लो, इसके इधर एक कार्बन है, इधर कितने कार्बन है, दो, तो मेन चेन क्यों होगी ये, ठीक है, इस मेन इधर एक कार्बन है इधर दो है, तो मेन चेन में ये ले लेंगे इसके इधर। यहां से देखें तो आगे एक कार्बन की दुल्हन है, नीचे दो कार्बन की दुल्हन है, तो किसको ले लेंगे, जिसमें ज्यादा कार्बन है, ठीक है, ये मेन चेन हो गई। नंबरिंग की बात करें तो बिल्कुल एक जैसा है, जैसा इधर से है वैसा इधर से, तो कहीं से भी कर लो, तो वन और टू, वन और टू तो इसमें आ गया क्योंकि दो कार्बन है इसमें, थ्री फोर फाइव, और इसमें क्या आएगा, सिक्स एंड सेवन, क्योंकि टू कार्बन है, तो ये मिथाइल हुआ, ये मिथाइल हुआ, ये ऐसे देख लीजिए आप। देखिए ये सी था, ये सी एच, ये सी एच टू, ये सी और ये सी, इसको अगर आप खोलें तो कैसे खुल सकता है, सी एच टू सी एच टू, इसको आप सी एच टू को खोलो तो देखो कैसे खुल जाएगा, सी एच टू सी एच थ्री, तो ये मेन चेन हो जाएगी, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अक्सर बच्चे इसको मेन चेन ये मान लेते हैं और इसको ले लेते हैं इथाइल, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो नाम क्या हो गया, ये मिथाइल हुई, एक थ्री पे और एक फाइव पे, और बाकी क्या हुआ, ये हेप्टेन, तो थ्री फाइव डाई मिथाइल, दो मिथाइल थी, एक थ्री पे और एक फाइव पे, और क्या हो जाएगा, मेन चेन में कितने कार्बन हो जाएंगे, सेवन कार्बन हो जाएंगे तो हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो एन। एक और बात ध्यान रखें, जो 11th क्लास के बच्चे हैं, पहला अक्षर, कोई भी पहला अक्षर कैपिटल बनाएंगे, जो पहला लेटर है वो कैपिटल बनाएंगे, बाकी सब स्मॉल। और जैसे मैंने लिख दिया ना कि इसका, इस नाम कंपाउंड का नाम आधा पार्ट ऊपर लिख दिया आधा पार्ट नीचे लिख दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखेंगे, इसको एक ही लाइन में लिखें आप। मेरे पास तो यहां जगह कम थी इसलिए मैंने लिखा, नहीं तो एक नाम में, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास नाम क्या है, संदीप, ठीक, तो आप ऐसे थोड़े लिखोगे कि सन और दी और पे, ऐसे ऐसे अलग, पूरे नाम को एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है, तो इस नाम को एक ही साथ में जुड़ा होना चाहिए, और जहां भी कोई नंबर आएगा उसको डैश से करेंगे, और दो नंबर होंगे तो उनको ए कॉमे से। तो बाकी मैं पहला ही अक्षर कैपिटल लिख रहा हूं, बाकी सब स्मॉल कर रहा हूं, ठीक है जी।